एग्जैक्टली बैंगलोर में तकरीबन 20-25 डेज की बारिश हो चुकी है, तो देखिए आप पूरा कितना डिफरेंस जो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये है अराउंड अपने खेती बाड़ी वाला फार्मिंग फ्राइडेज, यू नो। तो इसमें आज फिर जैसा कि मैंने बताया था अपडेट अबाउट भैरवी फार्म्स, जो नया फार्म बनाया है। अभी 8 महीने हो गए, 1-1.5 महीने की बारिश भी हो गई है। मैंने कहा लेट अस गिव अपडेट अबाउट द थर्ड पार्ट विच हाउ इट इज शेपिंग अप पोस्ट 1 month ऑफ रेन। यहाँ पे एग्जैक्टली बैंगलोर में तकरीबन 20-25 डेज की बारिश हो चुकी है, तो देखिए आप पूरा कितना हरा भरा हो गया है। ऐसा दिस इज व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। बफेलो ग्रास ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ ಏ ಮೂಲಂಗಿ ಮೂಲಿ ಲಗ್ಗೈ ಬಡಿಯಾ ದೋನೋ ಸೈಡ್ ಮೂಲಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಭೈರವಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೇಸಿ ಧನಿಯಾ, ಪಾಲಕ್, ಮೂಲಿ, ಟಮಾಟರ್, ದಂಟ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತಿ, ಫೂಲ್ ಆರ್ ಯೇ ಸಬ್ ಕಮಾಲ್ ಕಿಯಾ ಇನ್ ಲೋಗೋನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಾಜು ಲುಕಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಥಿಂಗ್. Very nice. So we can iska wo kar sakte hain. Cherry tomato bhi hai. To ye March 2024 ka mahina, humne yahan pe road ka kaam bhi shuru kiya. Aapko aerial shot mein dikhate hain ki kaise, dekhiye road बनाई यहाँ पे। पहले उसको पूरा साफ किया, लास्ट में आपको दिखाई देगा हमने क्या क्या किया। तो इस तरह से हमने पूरा बनाया और इतनी भयंकर गर्मी पड़ी इस बार कि पूरी की पूरी खेत को मेंटेन करना इट बिकेम अ वेरी बिग टास्क। इवन पानी भी कम हो गया था, लेकिन फिर भी हमने समाव वी मेड श्योर दैट जिंदा रखा गया, पेड़ों को सब किया गया। और ये देखिए पूरा खेत अभी मार्च और अप्रैल के महीने में पूरा ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा था, लेकिन एक मज़ा है जैसे ही बारिश होती है, वो आपको आखिरी में दिखाई देगा कितना मज़ा आता है। एंजॉय। Vegetable beds are really taking good shape. All tomatoes you can see good rooting in tomatoes.
आई थिंक थोड़े दिनों में कैबेज रेडी हो जाएगा। ये फर्स्ट कंसाइनमेंट मार्केट में ले जा रहा हूँ इसको, मूली को। पूरी 3 ट्रे है मूली, बहुत ज़्यादा हो गई मूली। आम अपनी पूरी छटा बिखेरते हुए। सो आज है 10 तारीख, 10th अप्रैल, और ये देखिए 10th अप्रैल को ये सिचुएशन है। जैसे कि मैंने बताया था, अपडेट देता रहूँगा बीच बीच में वीडियो बना के। आई कीप इन स्टॉक, काफ़ी बड़े बड़े हो गए। ये देखिए इतना बड़ा हो गया, अगर आप देखें तो मेरी हाइट से भी बड़ा हो गया ये पेड़। गुड प्रोग्रेस इन 6 मंथ्स। ये देखिए एक और आम, इसमें आम लगे नहीं है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया, और मौसम्बी भी लग रही है। मौसम्बी ऑल्सो अपने पूरे निखार पे है। 2-3 मौसम्बी लगी है इसमें। सो खतरनाक हार्वेस्ट टुडे। पालक और मूलंगी, टमाटर, ऑल दिस। अप्रैल 10th, 10 अप्रैल को ये सब हार्वेस्टिंग हुई आज भैरवी फार्म में। वो कितना है? दिस इज वन मोर डेवलपमेंट, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बन रहे हैं शेड फॉर परमानेंट, यू नो, ट्रेलिस अरेंजमेंट फॉर क्रीपर्स ग्रोइंग लौकी, कद्दू, ककड़ी, ये सब। सी बेसिकली हमने क्या किया है कि वी हैव इंस्टॉल्ड पत्थर का पिलर फ्रॉम सॉइल, सो दैट रस्टिंग वगैरह ना हो। अपना बैम्बू लगाने से काफ़ी कम लाइफ आती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें और इसमें पूरा ये MS की वेल्डिंग कर दी, इसके ऊपर एपॉक्सी प्राइमर लगा के पेंट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे साइड में ट्रेंचिंग कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से बन रहा है, और इसमें ऐसे पता नहीं आपको सूरज में दिखाई दे रहा होगी नहीं, ये 8 mm रॉड वेल्डिंग करके ये सब लगा दिया, GI वायर। तो एक्सपेक्टेड है 5-6 साल आराम से इसकी लाइफ आएगी। इस तरह से ये सब सेकेंड शेड भी बनाया जा रहा है। इधर पे एक गैप छोड़ा गया है, और इसका डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट रखा गया है। तो ऊपर से नीचे तक जब भी सूरज की रोशनी होगी वो पूरी इसमें गिरेगी, और इसके अंदर जो है, ये जो अंदर जो है इसके, एक बार जब पूरा ये नेचुरल ग्रीन हाउस की तरह बन जाएगा, इधर पे धनिया पुदीना ये सब यहाँ पे लगाया जाएगा। ये नेचुरल ग्रीन हाउस होगा, मैं सम एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ऑल्सो वी कैन पुट।
ये जो है अपना फसलस भैरवी फार्म्स में पता नहीं कितनी आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी। ये पीक समर वाला माहौल है, एकदम जबरदस्त गर्मी हो रही है। इस बार बैंगलोर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और लेकिन देखिए हरियाली में क्या है पूरी। आज 4 मई का महीना और हरियाली एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन। एक मुझे पका हुआ अमरूद दिखाई दे रहा है, ये इसको तोड़ लेते हैं और खा के देखते हैं। ये देखिए, अरे वाह, ये मजा है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है एकदम मीठा मीठा। वाह वाह वाह, देखिए काफी बढ़िया शेप ले लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ हाइट, देखिए मेरी हाइट से आपको कंपैरिजन करवाता हूँ। पीछे धूप है, पता नहीं कितना दिख रहा है। देखिए 6-8 महीने में इतना डेवलपमेंट है। हाइट एकदम अच्छी आ गई है पेड़ों की, ये लंबे लंबे हो गए। अरे बारिश हो जाए, ये ऑस्ट्रेलियन टीक है। फ्रूट्स और ये बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया ने घोंसला भी बनाया है, ब्यूटीफुल। और जून का महीना आते आते प्री मानसून शावर्स और उसके साथ जो हरियाली पूरी डेवलप हुई है फार्म में, अब आप देखिए जरा सी बारिश कमाल कर देती है। तो आपने देखा था पहले मैंने आपको मार्च और अप्रैल की एरियल शॉट्स दिखाए थे। अब आप देखिए रोड भी बन गई है और साथ में उसके जो हरियाली बारिश के बाद, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बारिश हुई, 4-5 बार बारिश हुई है, लेकिन एकदम से जो हरियाली डेवलप हुई पूरे फार्म में और पेड़ों ने एकदम ग्रोथ लेना शुरू कर दिया। देखिए वही पुराने शॉट और इस शॉट में आपको फ़र्क दिखाई देगा। जो मज़ा आया है बारिश के बाद, एकदम से लगता है कि पेड़ों को भी ना, दे ऑल्सो फील सो गुड अबाउट द होल फंडा ऑफ नेचुरल वाटर, प्योर वाटर। एंड इनिशियली जो पानी गिरता है स्टार्टिंग में, दैट इज द बेस्ट। तो देखिए मजे लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो है इसका काम भी दे दिया है, ये राउंड पाती करने के लिए। ये सारे चारों तरफ राउंड पाती लगा के इसमें गोबर भर के बीज डाल देंगे, तो गोबर आएगा। तो अभी उनको बोला है सारे पातियों का, इसका भी बाहर की लेबर से
ये पूरी जगह पे हल्दी लगाने का काम, एंड यहाँ पे पूरा इस तरह से पपाया बनाना जितने फ्रूट बियरिंग है उन सब में राउंड राउंड पाती इस तरह से बना के गोबर भर दिया जाएगा। ये भी आज फाइनल कर दिया है। और इधर पे देखिए ये जो बेड के पास लगाया है पपीता, सब फ्रूटिंग शुरू हो गई है बढ़िया सी। अब पपीते की पैदाइश यहाँ पे भी, और ये सब्जियों का बगान, ये सारी सब्जियाँ लग रही हैं। ये देखिए भिंडी है, मिर्ची है, ये देखिए ये पूरा रेज बेड बनाए वेजिटेबल्स के लिए, और चारों तरफ पपीता, बैम्बू, ऑस्ट्रेलियन टीक लगा दिया है। इतनी जगह पूरी वेजिटेबल एरिया। अभी इधर छोटे छोटे टमाटर के पेड़, ये सब बड़े हो रहे हैं। मूली लगाई है, इधर बीन्स लगी हुई है, बहुत सारी वैरायटी है। तो देखा आपने, सारा ही अपडेट दे दिया है आपको, लॉन्ग शॉट, व्यू शॉट्स। बेसिकली ये दिखाने के लिए है कि बारिश से कितना फर्क पड़ता है। ये थर्ड एपिसोड में यही दिखाया हमने कि कितना, यू नो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जो हुआ है, कमाल। एक तीन चार बार की बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, और बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया अपडेट्स एंड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए बाय।